हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम कुमार शाह है। मैं रिसेंटली 65th BPSC का इंटरव्यू मैंने फेस किया था। मेरा इंटरव्यू 3 अगस्त 2021 को हुआ था। तो मैं KR स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरा मैंने इंटरव्यू में कैसा गया, या मैंने क्या इशू मैंने फेस किया, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कैसे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि जो भी 65th BPSC का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो लोग आप लोग पहले से इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू लेटर जब डाउनलोड करिएगा तो आप देखिएगा कि इंटरव्यू में ही वो लोग मेंशन किए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लाना है। फॉर एग्जांपल 10th क्लास का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, सारे ग्रेजुएशन का मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल EBC या BC, तो आपको NCL सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसके अलावा एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी ले जाना पड़ेगा, या आधार कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी ले जा सकते हैं। मेरे हिसाब से आधार कार्ड बेस्ट रहेगा, और रिसेंट 2 फोटोग्राफ ले जाइएगा। इसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जाइएगा उसका 2-2 कॉपी आप जीरोक्स करके रखिएगा अपने पास, और साथ में सब जितने जीरोक्स कॉपी है सबके सेल्फ अटेस्टेड, अपना नाम, और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसका डेट आप दे दीजिएगा। ठीक, ये सब आप पहले से रेडी करके रखिएगा। साथ में पपत्र वन और पपत्र टू जो डाउनलोड करना है उसको भी फिलअप कर लीजिएगा। तो ये इजी होगा, क्योंकि अगर आप पहले से फिलअप करके जाइएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा आप ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा, और आपका काम इजीली जल्दी जल्दी होते जाएगा। तो अगर आपको लगता है पपत्र वन या पपत्र टू में कोई चीज़ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको डाउट है, तो आप वहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आप वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप उनको पूछ सकते हैं, उनसे वो आपको बता देंगे कि क्या यहाँ पे भरना है, या इसको छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हैं वहाँ पे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा तो मैंने उसे खाली छोड़ दिया था, और मैं वहाँ जाने के बाद मैं सर लोग से पूछा तो उन्होंने मुझे बता दिया कि आपको क्या फिलअप करना है। मेरा इंटरव्यू फर्स्ट हाफ में था, तो मुझे टाइम दिया गया था कि 9 बजे तक आपको बीपीएससी के गेट पे पहुंचना है आपको। तो जैसे ही सारे कैंडिडेट सब आए 9 बजे, तो उन लोगों ने सारे कैंडिडेट को अंदर बुलाया, और जितने भी कैंडिडेट थे उनको 4 भाग में वो लोग डिवाइड कर दिए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी करके नाम दिए थे। और चारों ग्रुप को उन्होंने बोल दिया था कि आपको इस रूम में जाके बैठना है, और जो भी ग्रुप मेंबर थे, जितने मेंबर थे, सबका एक एक करके कोरोना चेक हुआ। RT-PCR से कोरोना चेक होता है। आपको 10 मिनट में ही वो लोग रिजल्ट दे देंगे, जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होगा। अगर आपका नेगेटिव होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए आपको नेक्स्ट दूसरे बिल्डिंग में ले जाएंगे, वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। वहाँ भी वो लोग चार टेबल रखे हैं, एक टेबल ग्रुप ए के लिए है, सिमिलरली दूसरा बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए है। तो सबका एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और सब कुछ वो लोग वेरीफाई करते हैं। उनके पास 65th BPSC का जो हम लोग एप्लीकेशन फिलअप किए थे, और जो हम लोग ने सबमिट किया था फॉर्म, साथ में जो हम लोग पोस्ट स्पीड पोस्ट से पोस्ट किया था, वो लोग उनके पास रहता है, वो इनवॉल्व वो लोग ओपन करते हैं और सारा चीज़ वेरीफाई करते हैं कि जो भी आप डेटा दिए हैं वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब होने के बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको तुरंत आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, और जो भी आपका 2 कॉपी अटेस्टेड के लिए जो बोला गया था वो लोग रख लेते हैं। उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको एक दूसरे टेबल पे जाना होता है। वो लोग नाम से अनाउंस करके बुला लेते हैं, आप जाइएगा तो वहाँ पर एक कोड दे देंगे आपको। वो कोड आपको अपने पास रखना है, मेक श्योर कि उसको आप अच्छा से रखिए, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि उस कोड को आप जब इंटरव्यू पैनल में जाइएगा अंदर में तो चेयरमैन सर को देना होता है। तो जब आपको कोड मिल जाएगा तो आपका BPSC के एक कोई कलर किया कुछ भी, मतलब ऑफिसर वगैरह कुछ भी रहते हैं, वो लोग आपको ले जाते हैं, जो भी आपका पैनल होगा पैनल में आपको अंदर ले जाएंगे। फिर आप अंदर जैसे ही जाइएगा तो सर बैठे रहते हैं। तो मेरा पैनल श्री अरुण कुमार भगत जी का पैनल में पैनल में मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मुझसे बिहार को लेकर के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर से भी 3-4 क्वेश्चन थे। साथ में मुझसे मेरे हॉबीज़ को लेकर के
क्वेश्चन थे, मेरा हॉबी जैसे क्रिकेट खेलना है तो मेरे को उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। इसके अलावा ओलंपिक से भी दो तीन क्वेश्चन उन लोगों ने पूछे थे, फिर से दो तीन क्वेश्चन उन लोगों ने एज करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर्स नहीं पूछे, उससे वो स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन था। तो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगा प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट किसी किसी बोर्ड ने किसी किसी कैंडिडेट से सिर्फ ऑप्शनल से ही क्वेश्चन पूछा है। मेरे मेरे बोर्ड में ऑप्शनल से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, चेयरमैन सर ने सिर्फ मुझसे पूछा कि आपका ऑप्शनल क्या है। मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था तो मैंने सर को बताया था, उसके बाद मुझसे कोई ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मुझे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिया गया था, पूछा गया था कि अगर आप बिहार में बाढ़, आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होता है और वहाँ पे 3-4 दिन बाद बाढ़ आने वाला है, तो आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करिएगा और कैसे आप स्टेप्स लीजिएगा, तो 3-4 स्टेप्स में आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन था। जब आपका मेरा इंटरव्यू करीब 16 से 17 मिनट तक ही चला था, फिर इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप में ज़्यादा टफ नहीं है, मेडिकल चेकअप में भी वो लोग आपका हाइट, वेट, आपका अगर आप मेल है तो आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा, उसके बाद आपका यूरिन चेक होता है। वो लोग एक डब्बा दे देंगे, बोलेंगे कि आप अपना यूरिन कलेक्ट करके लाइए, और साथ में वो लोग बता देंगे कि आपका ग्लूकोज कितना है या जो भी है। उसके बाद फिर से आपको 16 रुपीज़ का एक 16 रुपीज़ पे करना होता है। मेक श्योर कि आप 16 रुपीज़, मतलब आप 16 रुपीज़ इन हैंड ही रखें तो इजी होगा। तो आपका एक एक रिसिप्ट दे दिया जाएगा, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। आई चेकअप होता है, उसके अलावा लोग चेक करते हैं कि आपका पैर सही है या नहीं है। आई चेकअप में वो लोग देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस तो आपका नहीं, अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको दो पोस्ट जो अभी बिहार पुलिस सेवा है, जो जिससे DSP बनते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है, ये दो पोस्ट के लिए आपको इनएलिजिबल कर देंगे। और इसके अलावा वो लोग आप आई में और आपको पढ़ने के लिए एक दे देंगे कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, एक हिंदी सेंटेंस ही रहेगा, उसको आप वो मैम देखती है कि आप पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते। उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक करते हैं वो लोग, कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। इसके अलावा वो लोग दोनों पैर को, एक सर बोलेंगे कि आप अपने जूता खोलिए और दोनों पैर आप मिला करके दिखाइए, आपका दोनों पैर मैच, मतलब मिल रहा है या नहीं हो रहा। तो ये भी शायद DPS बिहार पुलिस सेवा के लिए ही होता है। इसके अलावा अगर ये सारा जब काम कंप्लीट हो जाता है, तो एक फाइनल आपके जब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट में फाइनल साइन कर दिया जाता है, और उसमें बता दिया जाता है कि आपको ये दो पोस्ट के लिए या जो भी पोस्ट है उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो आप लोग बता देंगे। और वहाँ पे वो जो भी आपको पोस्ट है उसमें वो लोग क्रॉस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिहार पुलिस सेवा के लिए एलिजिबल नहीं था, तो मेरे उस पोस्ट के सामने मुझे क्रॉस कर दिया उन्होंने। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के लिए भी मैं एलिजिबल नहीं था, तो उन्होंने उन लोगों ने मेरा सामने क्रॉस कर दिया था। इसके बाद एक और चीज़ था कि हाँ, कोरोना के लिए अगर आपने कोरोना का वैक्सीन लिया है तो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करके ले जाइए। वैसे मैंने तो लेकर गया था, बट उन्होंने मुझसे मांगा नहीं सर्टिफिकेट, उन्होंने वो सिर्फ पूछा कि आपने वैक्सीन लिया है तो आपने कब लिया है, तो आप उस जो सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसमें डेट फिलअप करना था और कौन वैक्सीन लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोविशील्ड लिया तो आप मेंशन कर दीजिए कि इस डेट को मैं कोविशील्ड लिया था। तो बस इतना सा ये प्रोसेस है। जब फाइनल कंप्लीट हो जाएगा तो लोग खुद बोलेंगे कि आप जा सकते हैं, बस आज का काम आपका हो गया, बस इतना ही है। ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है, बट मेक श्योर कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल रहना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखिएगा, जीरोक्स वगैरह इन हैंड, मतलब हैंड ही रखिएगा, उसको सब अटेस्टेड कर दीजिएगा। ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं है, बहुत इजीली ही हो जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। जो भी मुझे लगता है कि जो भी समय लगता है वो मेडिकल चेकअप में ही लास्ट में समय लगता है, बट उसमें भी 1-1.5 घंटा में सारा काम हो जाता है। आप इजीली 2-3 घंटा के अंदर, 3 घंटा के अंदर, 2 से 2.5 घंटा के अंदर आप बाहर भी आ जाइएगा BPSC ऑफिस का। और कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। और दूसरी बात, जो भी 65th BPSC के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन सब सबको बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। एंड थैंक यू सो मच।